हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो एक नए दिन में, नए ब्लॉग में मैं बबीता बुरियाल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो गाइस, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे इसका कैमरा पीछे ख़राब हो रखा है, तो आप लोगों को बता दो कैमरा नहीं, मौसम ही ख़राब हो रखा है। और अभी मेरी तैयारी हो चुकी है, आप लोग ब्लॉग देखिए आगे आगे को, पता लग जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और ऊपर से सब लोग मेरे को देख रहे हैं क्या कर रही है क्या कर रही है। यहाँ वालों को थोड़ा पता नहीं है ना, तो गला भी देते हैं, इतना पता फ़ोन में लग रही थी कैदी दिन। फ़िलहाल तो दोस्तों आज मैंने पहना है, देखो ये वाला सूट, काफ़ी टाइम के बाद दूसरी बार पहन ली शायद, क्योंकि मैं कपड़ों की बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ। और पता नहीं लगता है कि मैंने ये सूट पहले पहना भी है नहीं पहना है, फिर फ़ोटो देखनी पड़ती है कि हाँ मैंने पहना है। तो आज मैंने ये वाला सूट पहना है, बहुत पहले सिल लिया था, एक साल हो जाता है इसको, आज पहनने को इसको मौका मिल रहा है। हाँ, तो हाल फिलहाल मैं जा रही हूँ अभी मार्केट को, क्योंकि मेरे को करनी है शॉपिंग, तो इसलिए जा रही हूँ। किसकी शॉपिंग करनी है, क्यों करनी है, इसलिए करनी है वो आपको आगे के ब्लॉग में पता लग जाएगा, मैं इतना क्लियरली आप लोगों को बताऊँगी नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं और मेरे साथ कंचन भी जा रही है, क्योंकि उसका भी काम है और मेरा भी काम है, तो हम लोग साथ में आ रहे हैं। पता, मैं पहले ही चली आती हूँ मार्केट को, और अभी गाड़ियाँ आने वाली हैं, और आज मैं बैठूँगी सोनू दा की गाड़ी में दूसरी बार। पहली बार तो मैं सिर्फ इधर ही रोड से यहीं, मतलब ऐसे लोकल में बैठी थी 5-10 मिनट के लिए। आज होने वाला उसकी गाड़ी में सफ़र, उसने भी नई नई गाड़ी ली थी, तो तब से हम लोग बैठे नहीं हैं। आज फाइनली उसकी गाड़ी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वो भी आ रहे हैं, तो चलते हैं भैया। तो अब ठंडा भी होने लग गया, तो इसलिए जूते भी पहन लिए हैं और अपर भी पहन लिए हैं। हेलो दाइज। तो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं लोहाघाट, और अभी यहाँ मैं कपड़े देख रही हूँ खुद के लिए, देखते हैं कैसा लगता है। हेलो दाइज। तो गाइज, मैं कब से ऐसे ऊपर के लिए बोली ही थी, फाइनली मेरे को आज मिल गया, तो कैसा लग रहा है बताना, फिर उसके बाद लेके जाऊँगी। मेरी साथी आई है, मेरे को लेना है फैब्रिक, थोड़ी बहुत शादी की शॉपिंग करनी है। तो शादी किसकी है, कब है, क्यों है, वो तो आप लोगों को पता लग जाएगा किसकी है शादी। फिलहाल सामान देखते हैं और चलते हैं, मिल ही नहीं रहा, बहुत टाइम हो गया गाइस, 2 बज गए हैं यहीं पे। तो गाइस, यहाँ पे से मैंने लिया पिछोड़ा, से कुछ नहीं खाया है, और मैं यहाँ जिस सामान के लिए उतनी दूर चाहिए थी गाइस, मेरे को मेरा सामान नहीं मिला। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं मिल रहा है यार, मेरे को लेना था बहुत। चलते चलते मेरे को हुए यहाँ पे माता रानी के दर्शन। तो आजकल नवरात्र चल रहा है, तो नवरात्र में यहाँ पे निकल रहा है माता रानी का डोला, और यहाँ पे जितनी भी लेडी है सारी कुमाऊनी कल्चर पिछौड़े और अपनी पूरी कुमाऊनी कल्चर की ज्वेलरी में रेडी होके आई हैं। सो गाइस, सुबह से देखो मेरे हाल ऐसे हो गए हैं, बेहाल, बाल वाल शक्ल वक्ल सब खराब हो रखे हैं, और मेरे को कुछ भी सामान नहीं मिला, इस बात का गम है मेरे को। कुलचा गरम कर दोगे? आज हमारा पूरे दिन भर का व्रत हो गया, अभी टाइम हो रहा है 5:30, तो अभी हम लोगों को खाने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पेटीज, पनीर कुलचा वगैरह 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 वगैरह, बर्गर वगैरह सब पहुँचाया है, और सब लोग खाने में लगे पड़े हैं। तो अभी जब बहुत पहुँचने तक 6 हो जाएगा ना, 6:30-7 में निकलते हैं आज, रात का सफर करते हैं। गाइस देख रहे हो, लड़ाई हो रही है, ऐसी भूख लगी है ना। बुड़वा लाया कि हमें पनीर कुलचा है, पनीर कुलचा में पनीर ही नहीं है, प्याज ही प्याज। दो
आदमी है नहीं, मेरे साथ जैसा रखा है मेरे को पता है। इसे बर्गर वगैरह खा रहे हो? खा रहे चंपावत में। इतनी रात हो गई, अभी हम चंपावत की मार्केट में हैं गाइस। अब चलते हैं घर को, रात का सफर। हमारे यहाँ की रोड खराब, वहाँ प्रतीक की बॉल, प्रतीक के लिए अभी अभी बॉली थी और इसने वो नाली में फेंक दी।